Hello everyone, hope you all are good. Today we will read the chapter 16, The Mysterious Visitor Part 2. इस स्टोरी को समझने के लिए आपको पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज पार्ट 1 के बिना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आने वाली कि एक्चुअल पार्ट 2 में है क्या. ओके, सो आप पहले पार्ट 1 की स्टोरी को रीड करें. So, let's start the chapter. People come to arrest the mysterious visitor, but his strange secret allows him to resist, leading to a fight and general confusion. अब हमने स्टोरी में क्या रीड किया था पार्ट 1 की स्टोरी में, कि जब वो हरकत कर रहा होता है, कौन, विजिटर, जब सबके सब लोग उसे देख लेते हैं कि तो विदाउट हेड का आदमी है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग उसको देखना चाहते हैं एक्साइटमेंट में, तो वहाँ पर कौन आता है, वहाँ पर जाफर आता है जो कि एक पुलिसमैन होता है, मिस्टर हॉल आते हैं और वेजर्स आता है लास्ट में. ठीक है, किस लिए, उस आदमी को पकड़ने के लिए, ताकि उसको पनिश किया जा सके, उसको जेल में डाला जा सके. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हॉल वॉज द फर्स्ट एट द विजिटर्स रूम एंड ही पुश्ड द डोर. डू व्हाट यू मस्ट डू, ही सेड टू जाफर. मिस्टर हॉल क्या करते हैं, गेट को खोल, जो मिस्टर हॉल होते हैं, सॉरी, मिस्टर हॉल क्या करते हैं, पुश करते हैं डोर को और उसे ओपन करते हैं. डू व्हाट यू मस्ट डू, ही सेड टू जाफर. जाफर से कहते हैं डू व्हाट यू मस्ट डू. जाफर वॉक्ड इन. अब जाफर अंदर जाता है, वो जो करना चाहता था वो करेगा. अब जाफर अंदर जाता है, देन हॉल, फिर हॉल जाता है विद वेजर्स लास्ट, और जो वेजर होता है वो लास्ट में जाता है. दे कुड सी द बॉडी विदाउट अ हैट इन द कैंडल लाइट. उन्होंने बॉडी देखी जो बिना सर की थी, किस में, कैंडल लाइट में. ही हैड सम फूड इन हिज हैंड. उसके हाथ में कुछ खाना था. ही हैड रॉब्ड फ्रॉम द किचन, जो कि उसने किचन से चुराया था. दैट इज़ द मैन. ये मैन, हॉल सेड, हॉल ने कहा ये वही आदमी है जिसने, जो बिना सर वाला है, जिसने मिसेज हॉल के साथ बदतमीजी करी थी और अब इसने खाना भी हमारी किचन से चुरा लिया है. वॉट द डेविल इज दिस, क्या शैतान है ये. सेड द एंग्री साउंड कमिंग फ्रॉम अबव द शोल्डर द मैन विदाउट अ हैड. जो बिना आदमी, जो बिना सर वाला आदमी था, उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि ये क्या अजीब सा शैतान आदमी है. यू आर अ बैड वन, सेड जाफर. ये सब कौन कहता है, जाफर कहता है कि तुम्हें क्या हो, बैड वन हो. बट हैड और नो हैड, यू आर गोइंग टू प्रिजन. वो कहता है चाहे तुम्हारा सर है या नहीं है, लेकिन यू आर गोइंग टू प्रिजन, तुम्हें डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगी और तुम प्रिजन बनोगे ही बनोगे. कीप अवे, सेड द विजिटर जंपिंग बैक. उसने क्या कहा, कीप अवे, सेड द विजिटर. विजिटर ने कहा, जंपिंग एंड जंप किया उसने, जंपिंग बैक. ही पुट द फूड डाउन, वो जो खाना खा रहा था उसने उसको रख दिया. एंड हॉल लिफ्टेड अ शार्प नाइफ फ्रॉम द टेबल, और जो हॉल था, मिस्टर हॉल जो था, उन्होंने एक शार्प नाइफ को लिफ्ट किया, मीन्स उठाया. द विजिटर पुल ऑफ हिज लेफ्ट ग्लोव. अब उस जो विजिटर था, मिस्टीरियस विजिटर था, उसने क्या किया हुए थे, उसने जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो तो इनविजिबल था, तो उसने अपने कपड़े पहने हुए थे, बड़ा सा कोट पहना हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे, जिससे कि क्या किया जा सके, उसको रिकग्नाइज किया जा सके, उसको पहचाना जा सके कि हाँ ये कोई आदमी है. इसीलिए तो अब उसने क्या किया, द विजिटर पुल्ड ऑफ हिज लेफ्ट ग्लोव, अपना जो उल्टे हाथ का लेफ्ट ग्लोव होता है उसको निकाल देता, थ्रोइंग इट इंटू जाफर्स फेस, और उसको जाफर के फेस पर बहुत तेज़ी से देकर मारता है. जाफर वॉज होल्डिंग हिम बाय एन आर्म विदाउट अ हैंड and was feeling for his invisible throat. अब जाफर क्या होता है, जाफर was holding him by an arm. उसको जो उसकी arm होती है उससे क्या कर लेता है, उसको पकड़ता है without a hand, बिना hand का, क्योंकि hand तो invisible है. and was feeling for his invisible throat. उसका जो invisible throat होता है उसको feel करता है. the visitor kicked him in the leg. और जो visitor होता है, mysterious visitor जो होता है, उसको kick करता है leg से. this made जाफर shout. अब इस चीज़ को लेकर जाफर क्या करता है, चिल्लाता है. but he did not let go of the man. लेकिन उसे जाने नहीं देता. हॉल पुश द नाइफ अक्रॉस द टेबल टू वेजर्स. गेट हिज फीट, सेड जाफर बिटवीन हिज टीथ. हॉल ट्राई टू ओबे बट वॉज किक्ड इन द रिब मेकिंग हिम लूज हिज होल्ड. अब वो क्या करता है, जाफर जो होता है मिस्टर हॉल को कहता है इसके जो पैरेंट को पकड़ने की कोशिश करो. हॉल क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन
जो मिस्टीरियस विजिटर होता है वो उसकी उतनी बुरी तरह से किक करता है कि वो जो उसका होल्ड होता है उसको पकड़ के रखता है वो उसको लूज़ हो जाता है। एंड वेजर सीइंग द मैन विद नो हेड नाउ ऑन द टॉप ऑफ ज़ाफर्स ऑन द फ्लोर लेफ्ट इन फियर विद द नाइफ इन हिज हैंड। अब ये चीज़ देख के जो वेजर होता है वो क्या करता है, बेचारा डर के मारे चाकू क्या हो जाता है, लेफ्ट इन द फियर विद द नाइफ इन हिज हैंड, छूट जाता है उसके हाथ से। ही रैन इन टू मिस्टर हॉक्स्टर। अब वो क्या करता है, मिस्टर हॉक्स्टर की तरफ भागता है। मिस्टर हॉक्स्टर कौन है, जो स्टोर का ऑनर है, एंड अनदर मैन हु वर कमिंग टू हेल्प ज़ाफर। एट द सेम टाइम 3 or 4 बॉटल्स वर नॉक्ड फ्रॉम द डेस्क ब्रेकिंग एंड फिलिंग द रूम विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। अब एट द सेम टाइम पे क्या होता है, 3 or 4 जो बॉटल्स होती हैं वर नॉक्ड फ्रॉम द डेस्क ब्रेकिंग एंड फिलिंग, मतलब वो टूटती हैं और पूरी तरह से जो रूम होता है वो पूरा का पूरा स्मेल से, बदबू से हो जाता है। क्यों, क्या क्या करता है वो, 3-4 बोतलों को तोड़ देता है और जिससे कि जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है पूरे रूम में आना शुरू हो जाती है। आई विल स्टॉप सेड द विजिटर गेटिंग टू हिज फीट। ही वॉज ब्रीथिंग हैविली एंड लुक्ड वेरी स्ट्रेंज। He was without a hat or hand. For now he had pulled off his other glove. अब वो क्या करता है, जो mysterious visitor होता है ये सब देखने के बाद, वो तो रुकने वाला नहीं था, वो उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो तो रुकने वाले भी नहीं है, कौन, ज़ाफ़र जो होता है। तो अब वो क्या करता है, अपना जो दूसरा ग्लोव होता है उसको भी निकाल देता है। इट इज़ नो नीड ही सेड फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। It was strange to hear words coming from an empty space. अब ये जो वो बड़बड़ा रहा था, वो जो चीज़ें बोल रहा था कहाँ से आ रहा था, एक एम्पटी सा स्पेस था वहाँ से आ रहा था, तो ये वर्ड बड़े अजीब से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। बट सुसेक्स पीपल वर नॉट ईजिली सरप्राइज। ज़ाफ़र टुक आउट सम हैंडकफ्स। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सुसेक्स हेयर, ये एक कंट्री है ठीक है, वहाँ के लोग ईजिली सरप्राइज होने वाले नहीं थे। ज़ाफ़र टुक आउट सम हैंडकफ्स। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ हैंडकफ्स, हथकड़ियाँ जो होती हैं। तो ज़ाफ़र ने अपनी क्या निकाली, हथकड़ी निकाली। आई से ज़ाफ़र सेड रिमेम्बरिंग दैट द मैन हैड नो हैंड, हाउ कैन आई यूज़ द हैंडकफ्स। अब वो जो ज़ाफ़र होता है उसको याद आता है कि ये जो आदमी है बिना हाथ का है, तो वो जो हैंडकफ्स है उनको कहाँ पर यूज़ करेगा। द मैन वॉज रनिंग हिज आर्म डाउन हिज कोट। अब क्या करता है, वो जो उसका कोट होता है उसके अंदर से अपनी जो आर्म होती है, मीन्स जो उसके हाथ होते हैं उनको भी डाउन करता है। एज इज एम्पटी स्लीव्स पॉइंटेड टू ईच बटन। अब जो उसकी क्या होती है, एक एम्पटी स्लीव्स होती हैं, क्योंकि जो उसने अपने हाथ होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना बचपन में शर्ट पहनते थे और अपने हाथ को वहाँ से निकाल कर साइड में रख लेते हैं, तो जो हमारी स्लीव्स होती हैं वो लटकती रहती हैं, हम बचपन में चिढ़ाते थे ना, ओ मेरे तो हाथ नहीं है, इस तरह से। एज इज एम्पटी स्लीव्स पॉइंटेड ईच बटन इट ओपनड As if moved by a spirit, उसके जो वो कहते हैं कि जो उसकी एम्पटी स्लीव्स थी वो पॉइंटेड कर रही थी हर एक बटन को, ईच बटन। इट ओपन एज इफ बाय अ स्पिरिट, मतलब जैसे कि एक भूत होता है ना, जैसे कि उसने अपने हाथ निकाले और अपने हर बटन को क्या करना शुरू करा, खोलना शुरू करा, तो उससे क्या लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पिरिट है, मीन्स भूत है। देन ही वॉज बेंडिंग डाउन, अब उसके बाद वो बैठ जाता है। एंड हिज शूज़ वर कमिंग लूज, अब धीरे धीरे उसके जूते खुलना शुरू होते हैं, पहले तो उसने अपने शर्ट के बटन खोले थे, अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, वो बैठकर बेंड डाउन हो जाता है, बैठ जाता है और उसकी जो शूज़ है वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट अ मैन एट ऑल, सैड हॉक्स्टर। हॉक्स्टर कहता है ये किसी भी तरह से आदमी लगता है, नो ऑल इट इज एम्पटी क्लोथ्स। लुक, देखो इसके कपड़ों को, इसके एम्पटी क्लोथ्स को। यू कैन सी इनसाइड हिज शर्ट थ्रू द नेक एज ही बेंट ओवर। ये कौन कहता है, हॉक्सर कहता है। ही पुट आउट हिज हैंड बट इट हिट समथिंग इन द मिडल ऑफ द एयर। अब वो क्या करता है, ही पुट आउट हिज हैंड, अपना जो हाथ है उसका वो इस तरह से हवा में क्या करता है, घुमाता है। ही पुल्ड हिज हैंड बैक विद अ क्राई ऑफ सरप्राइज, बहुत तेज़ी से। डू कीप योर फिंगर्स आउट ऑफ माई आई सेड द इनविजिबल मैन, आई एम ऑल हेयर हेड्स हैंड लेग्स आई एंड ऑल अदर पार्ट्स। अब जो वो इनविजिबल मैन कहता है कि मैं पूरा का पूरा यहीं पे हूँ, मेरे हाथ भी, मेरे पैर भी, मेरे सारे पार्ट्स, सब कुछ यहीं पर है, वो मतलब अपना शो करता है, जैसे वो हाथ पूरा एयर में हिलाता है तो जैसे एक अजीब सी उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कोई है, उसके बाद वो खुद ही चिल्ला कर कहता है कि मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरा सर, सब कुछ यहीं पर है,
बट आई एम इनविजिबल, लेकिन मैं इनविजिबल हूँ. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बट इट इज़ द ट्रूथ. वो कहता है जो इनविजिबल मैन होता है, कहता है ये मेरे लिए भी मुश्किल की बात है लेकिन ये सच है. एंड इट इज़ नो रीज़न फॉर मी टू बी पुश्ड इन द आई बाय ईच स्टूपिड पर्सन इन इम्पिंग. इपिंग क्या है? इपिंग एक क्या है, रियल विलेज है सुसेक्स का, जो हमने ऊपर कंट्री पढ़ी थी. वो कहता है कौन, इनविजिबल मैन कहता है कि इट इज़ नो रीज़न फॉर मी, मेरे लिए कोई भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है टू बी पुश्ड इन द आई बाय ईच स्टूपिड पर्सन. वो वहाँ के लोगों को क्या कह रहा है, स्टूपिड कह रहा है. देयर वर मैनी अदर नाउ इन द रूम इनविजिबल. डिड यू एट एनी टाइम इन द पास्ट हियर ऑफ थिंग लाइक दिस, आस्क्ड हॉक्सर. हॉक्सर उससे ये चीज़ पूछता है. आई एग्री दैट इट इज़ स्ट्रेंज. लेकिन वो क्या कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि ये बहुत स्ट्रेंज है. आज से यहाँ पर बहुत रूम है, बहुत है यहाँ पर लोग, लेकिन आज से पहले ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है. पास्ट में आपने कभी कुछ इस तरह का सुना भी नहीं होगा. हॉक्सर कहता है, तो वो उस चीज़ को कहता है कि येस आई एग्री, मैं मानता हूँ, बट इट इज़ नो रीज़न फॉर पुलिसमैन टू टेक एक्शन अगेंस्ट मी. लेकिन वो कहता है कि पुलिस वालों के पास कोई रीज़न नहीं है मुझे यहाँ से ले जाने का और मेरे खिलाफ एक्शन लेने का. यू हैव नो रीज़न टू हिट मी इन दिस वे. आई हैव रीज़न टू टेक यू टू कोर्ट एंड प्रिजन, सेड जाफर. अब जाफर कहता है उसको कि ठीक है तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मेरे पास रीज़न है तुम्हें कोर्ट में ले जाने का. क्या? दैट रीज़न इज़ नॉट बिकॉज यू आर इनविजिबल, इसलिए नहीं कि तुम इनविजिबल हो, बट बिकॉज द प्रिस्ट हाउस वॉज रॉब दिस मॉर्निंग. आपने हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था, स्टार्टिंग में, कि जो प्रिस्ट होता है जो विकास हाउस में चोरी हो जाती है, तो वो उसी की बात उसको कहता है कि ठीक है तुम इनविजिबल हो, बट मेरे पास रीज़न है तुम्हें जेल में डालने का, तुम्हें कैदी बनाने का. क्यों? तुम्हें कोर्ट में ले जाने का. क्यों? क्योंकि आज सुबह क्या हुआ था, प्रिस्ट के घर में पुजारी कौन है, विकास ही है, उसके घर में चोरी हो गई थी. एंड इट ऑल पॉइंट्स टू यू, सारे के सारे जो एविडेंस हैं, पॉइंट हैं, वो तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं. बट फुलिश टॉक, सेड द इनविजिबल मैन. इनविजिबल मैन कहता है उसको, कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, बट आई मस्ट टेक यू इन. लेकिन वो क्या कहता है, मैं तो तुम्हें अंदर लेकर जाऊँगा. आई विल कम, सेड द मैन, बट नो हैंड कफ्स. वो कहता है ठीक है मैं आऊँगा लेकिन बिना हैंड कफ के. बट इट इज़ द रूल, सेड जाफर. लेकिन जाफर कहता है कि ये तो रूल है, तुम्हें तो हैंड कफ पहन कर ही आना पड़ेगा. नो हैंड कफ, सेड द मैन अगेन. अब इनविजिबल मैन कहता है दोबारा से, कहता है नो हैंड कफ, बिना हथकड़ी के आऊँगा. इट इज़ नॉट फॉर मी टू से, सेड जाफर. द इनविजिबल मैन कोलैप्स्ड इन टू द चेयर एंड क्विकली पुल्ड ऑफ हिज शूज. अब वो जब उसने उसकी बात नहीं सुनी, तो अब वो उसने क्या किया, वो दोबारा से फटाफट चेयर पर बैठता है. कौन? इनविजिबल मैन. और जो जितनी भी उसके शूज़ थे उनको फटाफट से पुल्ड ऑफ करता है. एंड सॉक्स एंड पैंट. देन ही जम्प्ड अप एंड पुल्ड ऑफ हिज कोट. क्या करता है, अपनी पैंट भी निकाल देता है, सॉक्स भी निकाल देता है. मीन्स अब वो कोशिश कर रहा है पूरी तरह से गायब होने की. तो अपनी जो सॉक्स हैं वो भी निकाल देता है, पैंट भी निकाल देता है, और जो उसने कोट पहना हुआ था उसको भी क्या करता है, ही जम्प्ड अप, ऊपर कूदता है एंड पुल्ड ऑफ हिज कोट. अपना जो उसका कोट होता है उसको भी निकाल के फेंक देता है. हियर स्टॉप दैट, शाउटेड जाफर. अब जाफर कहता है, क्योंकि उसे पता था कि वो इनविजिबल होने जा रहा है, तो जाफर क्या होता है, चिल्लाता है, शॉट अप, स्टॉप, यहीं पर रुक जाओ. अंडरस्टैंडिंग नाउ वॉट वॉज हैपनिंग, कैचिंग हिज शर्ट, जाफर शाउटेड. अब जाफर जब इस चीज़, जब तक वो समझ पाता है इस चीज़ को कि ये क्या कर रहा है, एक्चुअली में वो समझ तो गया है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है क्योंकि उसकी समझ में अभी ये चीज़ आ गई है, ये एक्चुअली इनविजिबल गायब होने के लिए जा रहा है. तो जाफर शाउट करता है, होल्ड हिम, उसको पकड़ो, इफ़ ही गेट्स हिज क्लोथ ऑफ, होल्ड हिम, उसको पकड़ो. क्राइज अदर्स इन द रूम, दूसरे रूम से भी क्या आ जाती है, अब आवाज़ आ जाती है चिल्लाने की, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो. बट हिज वाइट शर्ट वॉज ऑल दैट ही हैड ऑन. सिर्फ एक अभी वाइट शर्ट ही फिलहाल सबको दिख रही थी, क्योंकि सब सारे कपड़े वो अपने ऑलरेडी उतार चुका था. अ शर्ट स्लीव हिट जाफर स्ट्रांगली इन द फेस. अब जो उसकी शर्ट थी, उसकी जो स्लीव थी, वो बहुत तेज़ी से उसके फेस पर देकर मारता है, मेकिंग हिम फॉल बैकवर्ड, पीछे की तरफ वो जाकर गिर जाता है. द बटन्स ऑफ द शर्ट केम अपार्ट. जाफर्स क्विकली कॉट द शर्ट अगेन, बट द मैन पुल्ड आउट हिज शर्ट मोर क्विकली, हिटिंग जाफर्स इन द माउथ एट द सेम टाइम. अब जो उसके बटन थे वो तो ऑलरेडी क्या थे, खुले हुए थे. तो जाफर क्या करता है, क्विकली पकड़ता है उसको, उसकी शर्ट को दोबारा से पकड़ता है. लेकिन जो मैन था वो क्या करता है, पुल्ड आउट हिज शर्ट मोर क्विकली, तेज़ी से पुल करता है अपनी शर्ट को, और जाफर के जो माउथ होता है उस पर दे मारता है.
ज़ाफ़र मूव्ड हिज स्टिक थ्रू द एयर. अब ज़ाफ़र क्या करता है, स्टिक निकालता है, अपनी छड़ी निकालता है, उसको हवा में घुमाना शुरू कर देता है ताकि क्या हो सके, इनविजिबल मैन को हिट हो सके. बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिम. अब वो तो इनविजिबल हो गया ना, अब कैसे उसको ढूंढोगे. अब तो शर्ट भी नहीं, उसने अपने सारे कपड़े भी उतार दिए हैं, तो घुमाते रहो हवा में. बाय एक्सीडेंट द स्टिक हिट टेडी हैनफ्रीज हेड मेकिंग हिम फॉल अबैक. अब गलती से एक्सीडेंटली जो स्टिक होती है वो टेडी हैनफ्री के सर पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, फॉल बैक. लुक आउट पीपल शाउटेड एट ज़ाफ़र हिट द एयर एट नथिंग. अब वहाँ पे जो लोग हैं वो चिल्लाते हैं, कहते हैं देखो ज़ाफ़र जो है हवा में वो डंडा अपना घुमा रहा है लेकिन उसको मिल कुछ नहीं रहा है. होल्ड हिम, पकड़ो उसे. क्लोज द डोर, डू नॉट गिव हिम स्पेस टू लिव. ज़ाफ़र कहता है होल्ड हिम, पकड़ो उसे, डोर को क्या करो, दरवाजे को बंद कर दो, उसे स्पेस मत दो यहाँ से निकलने के लिए. ही इज़, वो यहीं पर है. हेयर ही इज़. व्हाट अ नॉइजी दे मेड. दे वर ऑल हिटिंग एंड बींग हिट. वेजर्स ओपन द डोर टू लीव. अब जो वेजर होता है वो क्या करता है, दरवाज़ा खोल देता है, क्यों, क्योंकि जो ज़ाफ़र होता है वो पूरी तरह से सारे में क्या करता है, वो जो उसकी जो स्टिक होती है उसको घुमाता है और बाकियों को भी हिट करता है. तो वेजर्स क्या होता है, अपना डोर जो होता है खोल देता है. द अदर्स ऑल ट्राई टू फॉलो हिम, और जो बाकी होते हैं उसको फॉलो करते हैं. एट द सेम टाइम बट नो वन वॉज एबल टू मूव थ्रू द नैरो डोर वे. लेकिन अब जो दरवाजे का जो रास्ता था वो नैरो था, तो लोग क्या थे, वॉज नॉट एबल टू मूव. ज़ाफ़र डिड नॉट स्टॉप हिटिंग विद स्टिक. अब जो ज़ाफ़र था वो तो रुक ही नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था, वो तो स्टिक से हिट किए जा रहा था. अ फिस्ट हिट ज़ाफ़र इन द फेस. फिस्ट मीन्स मुट्ठी. अ फिस्ट हिट ज़ाफ़र्स इन द फेस. ही टर्न फीलिंग अ बॉडी बिटवीन हिमसेल्फ एंड हॉक्सर. अब वो जो एक फिस्ट थी, एक मुट्ठी थी, वो क्या होती है, ज़ाफ़र इन द फेस. उसको फीलिंग आती है कि मेरे और हॉक्सर के बीच में ऐसा लगता है जैसे कि कोई बॉडी है. हिज हैंड्स वर ऑन अ चेस्ट कवर्ड विद हेयर. देन द होल मैसी ग्रुप ऑफ मैन एक्सप्लोडेड थ्रू द डोर इन टू द वॉकवे. वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोडेड थ्रू द डोर, मीन्स रश्ड आउट थ्रू द डोर. जैसे बाहर निकलने की सब कोशिश कर रहे थे ना, वहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो चुका था. आई हैव हिम, शाउटेड ज़ाफ़र इन पेन, फाइटिंग विद हिज इनविजिबल प्रिजनर हु वॉज होल्डिंग ज़ाफ़र्स अराउंड द नेक. अब वो कहता है आई हैव हिम, बहुत तेज़ी से ज़ाफ़र चिल्लाता है एक पेन में, क्यों, क्योंकि वो फाइट कर रहा है किसके साथ, एक इनविजिबल प्रिजनर के साथ. हु वॉज होल्डिंग ज़ाफ़र्स अराउंड द नेक, जिसने कि ज़ाफ़र को गर्दन से पकड़ लिया है. ओब्वियस है, किसने पकड़ा, इनविजिबल मैन ने पकड़ा. द होल ग्रुप वॉज स्लोली मेकिंग इट्स वे towards the front door and down steps to the coach and horses. What is the meaning of coach and horses? This is a inn, hotel, छोटा सा pub या hotel, ठीक है. तो जितना भी group होता है वो क्या करता है, slowly making its way towards the front door, अपना रास्ता बनाता है front door से and down the step of the coach and horses. मतलब बाहर जाना शुरू हो जाते हैं लोग. ज़ाफ़र ट्राई टू क्राई फॉर हेल्प. अब वो चिल्लाता है मदद के लिए, बट वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, क्योंकि वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था. ही कोलैप्स्ड अंडर द अदर्स हिज हैट हिटिंग द हार्ड रोड. उसको फील होता है कि जैसे किसी ने उसको क्या किया है, एक हार्ड सी रॉड से उसको हिट किया. एट लास्ट द प्रिजनर वॉज फ्री ऑफ ज़ाफ़र्स होल्ड. फाइनली में, अब फाइनली क्या होता है, जो प्रिजनर होता है वो फ्री हो जाता है ज़ाफ़र्स की होल्ड से. मतलब इन दोनों की आपस में फ़ाइट चल रही है. जैसे उसने क्या किया, ज़ाफ़र की गर्दन को पकड़ लिया, वो ज़ाफ़र चिल्ला रहा होता है किसके लिए, हेल्प के लिए, बट कोई उसकी सुनता नहीं है. और ही कोलैप्स्ड अंडर द अदर्स हिज हेड हिटिंग द हार्ड रोड. अब फाइनली जो क्या होता है, जो प्रिजनर होता है वो उसकी गिरफ्त से छूट जाता है. पीपल वर शाउटिंग ही इज़ इनविजिबल. लोग चिल्ला रहे होते हैं वो क्या है, इनविजिबल है, होल्ड हिम, पकड़ो, एंड अदर थिंग्स लाइक दिस. One young man moved to catch him, but he fell over the body of the policeman. एक जो young man होता है वो क्या करता है, move to catch him, but he fell over the body of the policeman. उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो policeman की जो body होती है उसी पर गिर जाता है. A woman cried out as something pushed by her. अब एक औरत को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे push किया है, वो चिल्लाती है. A dog was running in fear after being kicked by something it was not able to see. अब कुत्ते को भी किसी ने, डॉग को भी क्या किया था, जैसे किसी ने किक की है, तो वो भी क्या करता है, देखता है, डर के मारे वो भी भाग रहा है. Through it all, अब इन सब के बावजूद the invisible man was able to run away. तो invisible man क्या हो जाता है, भागने में कामयाब हो जाता है. As the noise died down
as the noise died down, the people were running like the wind to all parts of the town. अब लोग क्या हो रहे होते हैं, इधर से उधर जैसे बहुत तेज़ी से क्या होती है, हवा चल रही होती है ना सारे पार्ट में, इस तरह से लोग भी भाग रहे थे. एंड जाफ़र वॉज लेफ्ट ऑन द ग्राउंड विदाउट मूवमेंट. और जो जाफ़र होता है वो बिना किसी मूवमेंट के ग्राउंड पे गिर जाता है, हिज फेस लुकिंग अप टू द स्काई. और जो उसका जो फेस होता है वो आसमान की तरफ क्या होता है, देख रहा होता है. ओके, सो होप आपको जो ये स्टोरी है पसंद आई होगी. ये बहुत अच्छी एक तरह से बहुत अच्छी स्टोरी, एक इनविजिबल मैन की स्टोरी है जो ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट में घुस जाता है, खाना मांगता है, फिर लैंड लेडी के साथ क्या करता है, लड़ाइयाँ करता है, और फिर उसके बाद पुलिसमैन उसको पकड़ने के लिए आता है तो उनके साथ लड़ाई करता है, अपने कपड़े उतार देता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. होप आपने इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी. थैंक यू सो वेरी मच. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो वेरी मच.